अस्सलामुअलैकुम। तो आज आपके लिए मैं तवा भिंडी और सिंपल से दाल फ्राई की रेसिपीज लाई हूँ। तवा भिंडी के लिए सबसे पहले भिंडी ले लें, उसे अच्छे से धोकर या पोंछ कर सुखा कर रख लें, उसे कच्चा ना रहने दें, इस तरह से कट दे दें बीच में। आप चाहे तो इसके बीज निकाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। इस फिलिंग के लिए मसाला कुछ इस तरह से है। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर ले लें। आप अपने हस्बे ज़रूरत से सारे ड्राई मसाले इस्तेमाल करें। उसके बाद नमक डालें। यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी के लिए मसाला बना रही हूँ और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, ये हमने घर पर ही बनाया हुआ है, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और ये भी होममेड ही है, और एक चम्मच सांभर पाउडर जो रेडीमेड अवेलेबल मार्केट में मिलता है। उसके बाद जो ड्राई कोकोनट, जो सूखा खोपरा कहते हैं, उसे अच्छे से ग्राइंड कर लें बिना पानी के इस तरह से, और उसमें 4 से 5 चम्मच डाल दें। यहाँ पर कच्चा खोपरा ना इस्तेमाल करें। एक चम्मच धनिया पाउडर और ये भी होममेड ही है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, ज़्यादा ना इस्तेमाल करें इसमें, मैंने आधा चम्मच ही डाला हुआ है। ये पेस्ट घर का ताज़ा पिसा हुआ मसाला है। 1 चम्मच तेल डालें और सारे मसालों को 1 स्पून से अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। मसाला तैयार हो जाने के बाद भिंडी को इस तरह से मसाले से फिल कर लें हाथ से ही। इस तरह की भिंडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में, दाल के साथ बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। सभी के घरों में सभी को भिंडी तो बहुत पसंद आती है, इसीलिए थोड़े से डिफरेंट वर्जन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। यहाँ पे भिंडी अभी तैयार है, तो अभी हम इसे तलेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। एक नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डालें। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद सारे भिंडियों को एक तरतीब से रख लें। एक चम्मच तेल भिंडियों के ऊपर डालें। थोड़ी देर पकने के बाद उसे दूसरी तरफ पलटा लें। अगर आप क्रिस्पी के शौकीन हो तो इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए और छोड़ दें। भिंडी के बाद दाल फ्राई कुछ इस तरह से। सबसे पहले कढ़ाई में तेल ले लें अपनी दाल के हिसाब से। उसमें 1 चम्मच राई डालें। एक चम्मच ज़ीरा। दोनों चीज़ें अच्छे से स्प्लटर होने के बाद करी पत्ता या कड़ापत्ता डालें। उसके बाद चॉप की हुई प्याज डालें। और इसके बाद 4 से 5 इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च डालें। आप चाहे जिस तरह काटना चाहे उसी तरह से काट के डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसे धीमी आंच पर पका लें। यहाँ पे भिंडी भी अच्छे से पक रही है। अभी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसके बाद हम चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे। यहाँ पे हमने 4 कटे हुए टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं।
चॉप्ड की हुई पालक डालें, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो डाल भी सकते हैं और ना भी डालें। अभी इसमें सारे ड्राई मसाले डालेंगे, एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें, नमक हसबे ज़रूरत डालें। यहाँ पे जितना मसाला कढ़ाई में दिख रहा है उस हिसाब से मैंने नमक डाला हुआ है, और जो दाल गली हुई है पहले से उसमें हमने दाल के हिसाब से नमक डाला हुआ है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच डालें। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से पका लें थोड़ी देर के लिए। इसे इस तरह से पकाना है कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो चली जाए। एक बर्तन ढांक कर उसे छोड़ दें। यहाँ पे हमने दाल को अलहदा से एक कुकर में गलाया हुआ है, थोड़ी सी हल्दी, नमक और तेल डालकर। दाल गलने के बाद घोटनी से उसे ना घोटे, बस चम्मच से इस तरह से 4 से 5 मरतबा अच्छे से फेंक लें। चम्मच से इस तरह से कर लें ताकि दाल दानेदार हो। सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो अभी हम इसमें दाल डालेंगे। दाल डालने के बाद उसी कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर उसे हिलाकर डाल दें। उसके बाद चम्मच से दाल और मसालों को अच्छे तरह से मिक्स कर थोड़ी देर के लिए अच्छे से पका लें धीमी आंच पर। इस तरह की दाल अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार बनती है, रोटी के साथ बड़ी अच्छी लगती है। धीमी आंच पर इसे 5 मिनट तक अच्छे से पका लें। दाल पकने के दौरान चम्मच से इसे 2 से 3 बार हिला लें, क्योंकि दाल जो रहती है वो कढ़ाई के बॉटम में जाकर लग जाती है। देखिए माशाल्लाह दाल बहुत अच्छी लग रही है। दाल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से ही रहनी चाहिए। अगर आपको दाल पतली पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी डालकर उसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर पर जमाई हुई दूध की मलाई हो तो उस मलाई को इस दाल में डाल कर पका लें, उससे माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी ये दाल तैयार है खाने के लिए। उम्मीद है कि आज के रेसिपीज आपको पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़। Thank you.